हेलो फ्रेंड्स, वुडन स्पून्स जो हम अपनी कुकिंग के दौरान यूज़ करते हैं उन्हें हम कैसे साफ़ करें, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेरी डेली कुकिंग के हिसाब से जो वुडन स्पून्स है वो है मेरे पास। देखने में तो ये काफ़ी साफ़ लग रहे हैं बट एक्चुअली ये है नहीं। देखिए ये थोड़े से चिकने लग रहे हैं, तो इन्हें आज हम अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने एक बर्तन में पहले से उबालने रखा हुआ है, उसमें मैं डाल दूंगी ये वुडन स्पून्स। तो देखेंगे हम थोड़ी देर के बाद उबलते उबलते एक गंदगी सी चिकनाई सी साइड में जमा होने लग जाएगी। तो जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि साबुन से स्क्रब से वुडन स्पून साफ़ हो जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप इस तरह इसे साफ़ करें बॉयल करके। तो एक बार मैंने पलट दिए हैं, दूसरी साइड से भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए और भी ज़्यादा चिकनाई और कचरा यहाँ पर साइड में इकट्ठा होने लग गया है। तो इस तरह मैंने दो तीन बार उलट पलट के इन्हें अच्छी तरह से पानी में बॉईल कर लिया है। स्टील के मुकाबले वुडन स्पून इसलिए इतने ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सोक कर सकते हैं। अब इन्हें निकाल के पानी से बाहर हम ठंडे पानी से साबुन स्क्रब के साथ धो लेंगे। तो ये देखिए पीछे से पानी हमने साफ़ यूज़ किया था और अब देखिए कितना गंदा है ये। तो मैंने स्पून्स को साबुन ठंडे पानी और स्क्रब के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब इसे इस तरह टॉवल से हम लपेट देंगे। इस तरह हाथों से प्रेस करने के बाद इसे कुछ देर इसी तरह रहने दें ताकि टॉवल पूरा पानी सोख ले। और अब देखिए ये कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं और हाइजीनिक भी। तो वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के क्लीनिंग हैक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।